जब मैं पहली बार स्कूल गया, मैडम बोली लड़कियां उस रो में बैठेंगी, लड़के इस रो में बैठेंगे। अपना इसरो से उस दिन का नाता है। चार लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। अच्छा देखिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कवि सम्मेलन की बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई है और बहुत बेहतरीन बता रहे हैं, मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हूं, बिल्कुल आप यकीन मान के चलिए। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं, आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया उलिया देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से ही क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसलिए यहां पर जो कोई भाजपाई बैठे हो, थोड़ी देर के लिए पार्टी से इस्तीफा दे देना। कांग्रेसी भी कृपया ऐसे ही करें। आप लोग सिर्फ वोटर होकर के नहीं, जनता होकर के सुनिएगा, आपको कभी सम्मेलन का आनंद आ जाएगा। चार लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। पिछले दिनों मोदी जी कहा था कमाल के साहब, मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो कमाल है साहब। मैंने कांग्रेसी मित्र से पूछा, मैंने कहा यार आजकल कोई भी चैनल नहीं बचा जिस पर मोदी जी खुद ना आते हो, बचने के लिए क्या करते हो? बोले जी डिस्कवरी देखते हैं। अब वो डिस्कवरी पे भी आ गए। आप लोगों ने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड। चार लाइनें वहीं से प्रारंभ करता हूं। आनंद लीजिए, स्वागत है। डिस्कवरी पे मैन वर्सेस वाइल्ड चार लाइनें। दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर, पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है, पत्नी के साथ रहने वाला असली। कमाल की बात है, सबको समझ आई, मुझे इतनी तालियों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सच में कि आप लोग इतनी तालियां बजा देंगे। वो धारा 370 जिस दिन खत्म हुई, जेल में आशाराम बापू ने राम रहीम को मिठाई खिलाई, राम रहीम ने इच्छाधारी को खिला दी, इच्छाधारी ने रामपल को खिला दी। जब चारों बाबाओं ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बोले बाबा ये 370 के खत्म होने पे तुम क्यों खुश हो रहे हो? बाबा बोले बेटा जब 370 खत्म हो सकती है तो 76 भी हो सकती है। बाबाओं की भी अपनी अपनी आस है सब। 370 खत्म हुई, लोगों ने तरह तरह के कमेंटबाजी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि जी कश्मीर में दुल्हन लाएंगे, किसी ने कहा ये करेंगे वो करेंगे, घर बनवाएंगे। मैंने चार लाइनें लिखी, आप लोग आनंद लीजिए साहब। स्वागत है। कश्मीर में साहब, औरों के दम पे ठाठ बाठ ढूंढ रहे हैं, औरों के दम पे ठाठ बाठ ढूंढ रहे हैं, कश्मीरी काली कोई हॉट ढूंढ रहे हैं, घर का किराया जिनसे चुकाया नहीं जाता, कश्मीर में वो भी प्लॉट ढूंढ रहे, कश्मीर में वो भी प्लॉट ढूंढ रहे हैं। और अगली चार लाइनें आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। ये चार लाइनें सुनिए, जब मैंने लिखी साहब, भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना। हमारा देश सचमुच अद्भुत है, आप लोगों को बात समझ में आ रही है? देश के सबसे आज की तारीख में सबसे एक बड़ा नाम जो हिंदी कवि सम्मेलनों में हो सकते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी की गरिमा में उपस्थिति है, और संपत सरल जी जो व्यंग्य के पर्याय बन चुके हैं, मैं उनकी उपस्थिति है तो एक बात कहने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ साहब, हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। वो पिछले दिनों मोदी जी ने कूड़ा उठाया तो लोग चिल्लाए, बोले ये कोई प्रधानमंत्री का काम है? 3-4 मिनट के फुटेज में कूड़ा उठाने से देश साफ हो जाएगा? तो भक्तों ने धमकाया,
भक्त समझाते नहीं, धमकाते। भक्तों ने धमकाया, बोले देखो ये मोदी जी हैं, ये सांकेतिक रूप से करते हैं, बाकी जनता फॉलो करती है। उससे पहले मोदी जी ने पेड़ लगाए थे, लोग तब भी चिल्लाए थे, बोले कोई प्रधानमंत्री का काम है, मोदी जी का काम है, 5-7-10 पेड़ लगाने से पर्यावरण बच जाएगा। भक्तों ने फिर धमकाया था, बोले देखो ये मोदी जी हैं, ये सांकेतिक रूप से करते हैं। उससे पहले मोदी जी ने विवाह किया था, सांकेतिक रूप से। तो हमारे सब सचमुच कमाल का देश है, इंटरटेनिंग मतलब चल रहा है पूरा देश आजकल। आप एक चैनल बंद करो दूसरा शुरू हो जाता है। मैं 4 लाइनें सुना रहा था आपको, आनंद लेना साहब। बिहार से थोड़ा सा आगे आइए उत्तर प्रदेश, क्या कमाल का प्रदेश है साहब। योगी बाबा की सरकार आई तो पहला काम एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती नहीं होती, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से पहले यह स्थिति थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो मां बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे, बेटा कहां रह गई, कब लौटेगी। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है, अब कोई लड़का घर से बाहर निकले माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश, योगी जी 4 लाइन है। स्वागत है। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पट। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। रसोई में आलू का, राजनीति में लालू का, और जंगल में भालू का बहुत बड़ा महत्व है। रजाई में गाय का। तो अब ज्यादा हो चुकी, अब हमका मालूम नहीं है, तो अब चाहते हैं इजाजत। तो नमस्कार, अगर आप लोगन के अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई गलती हो गए चलते हैं। बाय बाय।